हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर मॉम लाइफस्टाइल ऑफिशियल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से एक और नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ तोरी। जी हाँ, लेकिन ये रेसिपी बिल्कुल नई है, आपने आज से पहले इस रेसिपी को कभी भी ट्राई नहीं किया होगा। सो प्लीज़, जब भी आपका मन हो कि किसी नई तरीके से हम सब्जी को बनाएं, यानी तोरी बनाएं, ताकि सब लोग बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएं, तो आप प्लीज़ डेफिनेटली इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड चलिए फिर देख लेते हैं इसका फर्स्ट स्टेप क्या है। इस रेसिपी को बनाने के बाद आप कहेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेम्पटिंग बनी है। और जब आप इस रेसिपी को बना लेंगे और जब, तो प्लीज़ आप मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। तो इसके लिए मैंने बहुत ही प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी फ्रेश फ्रेश तोरी ले ली है। इसे कुछ लोग तुरई भी बोलते हैं, बट हमारे यहाँ पर हम इसे तोरी प्रोनाउंस करते हैं। सो यहाँ पर उसके बाद मैंने 1 मीडियम साइज़ का टमाटो ले लिया है, जिसे मैंने अच्छे तरीके से फाइनली चॉप्ड कर लिया है। देन उसके बाद मैंने ऑनियन एंड गार्लिक का पेस्ट ले लिया है। 3 to 4 मैंने ग्रीन चिली ले ली है और साथ ही में मैंने ग्रीन चिली पेस्ट ले लिया है। उसी के साथ में मैंने यहाँ पर कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा, हल्दी, नमक और 1 से 2 बे लीफ यानी तेज़पात ले लिए हैं। और तोरी को अच्छे तरीके से वॉश करके मैंने इस तरीके से उसे छिलका उतार के उसे काट लिए हैं गोल गोल पीसेस में। देन उसके बाद मैं एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम करूँगी और ऑयल को अच्छे तरीके से गरम करने के बाद आप इसमें कटी हुई तोरी के पीसेस को ऐड कर देंगे। और आप ऑयल थोड़ा कम ही यूज़ करना, यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल यूज़ किया है। देन उसके बाद मैं सारी तोरी इस तरीके से इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए इसे सॉटे करूंगी। सो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से चलाते हुए मैं इसे सॉटे कर लूंगी और इसमें ऐड कर दूंगी बहुत ही थोड़ा सा नमक, ताकि ये बहुत जल्दी से वाटर रिलीज़ कर दे। आप सभी जानते होंगे तोरी बहुत ज़्यादा वाटर रिलीज़ करती है, तोरी एंड लौकी इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा वाटर रिलीज़ करती हैं। सो यहाँ पर मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा जब ट्रांसपेरेंट हो जाएगी उतने ही टाइम तक हमें इसे कुक करना है। देन आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए एंड मुझसे स्किप हो गया था और मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा यूज़ करी है, यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा हींग पाउडर और इसे अच्छे तरीके से मिक्स होने दूंगी और मिक्स करते हुए इसे तब तक कुक करूंगी जब तक कि ये वाटर रिलीज ना कर दे। अब मैं इसे दूसरे पैन में यानी कि दूसरे बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर दूंगी। देन उसके बाद मैं सेम पैन को यूज़ करूंगी अच्छे तरीके से क्लीन करके। मैं उसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा ऑयल और जब ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी थोड़ा सा ज़ीरा और बे लीफ और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी इसमें से थोड़ी सी हींग पाउडर और इसे अच्छे तरीके से सॉटे करेंगे। हमें इसका कलर चेंज बिल्कुल नहीं करना है। देन उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी ऑनियन एंड गार्लिक पेस्ट और साथ ही में ग्रीन चिली, इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और इसे सॉटे करूंगी। अच्छे तरीके से चलाते हुए मैं इसे मिक्स करूंगी। और अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी चॉप किए हुए टमाटोज और इसे ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और इसे मिक्स करते हुए मैं अच्छे तरीके से कुक करूंगी तब तक कि अच्छे तरीके से भुन ना जाए और ऑयल बिल्कुल सेपरेट ना हो जाए। मसाला भुनने के यही होता है कि जब हम उसे चमचे पे लेते हैं यानी कि करछी पर लेते हैं तो आप देखेंगे उसमें बहुत ज़्यादा बबल्स उठने लगते हैं एंड साथ ही में ऑयल अच्छे तरीके से सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी मसाले जो कि टर्मरिक पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा नमक। हम इसमें रेड चिली बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइटल में बताया है कि ना हम यहाँ पर काली मिर्च, ना दखनी मिर्च, ना लाल मिर्च, किसी भी मिर्च का यूज़ नहीं करेंगे और यहाँ पर सिर्फ हम यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन चिली का। और कलर के लिए यहाँ पर हमने इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड कर दिया है यानी हल्दी पाउडर
और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए हम इसे चलाते रहेंगे। नाउ इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिली का पेस्ट, और ग्रीन चिली पेस्ट मैंने बनाया था ग्रीन चिली, थोड़े से नमक, ज़ीरा और लहसुन को मिक्स करके। साथ ही में इसमें मैंने ऐड कर दिया था थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, और उसे अच्छे तरीके से मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। सो आप भी इसी तरीके से रेडी करके वो इसके अंदर ऐड कर देना। देन इसे कवर से लिड से कवर करके आप इसे अच्छे तरीके से कुक होने देंगे, तब तक कि जब तक कि ऑयल सेपरेट बिल्कुल ना हो जाए। आप देखेंगे ऑयल सेपरेट हो चुका है, तो यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे तोरी। तोरी ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स अप कर देंगे, और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं मैं इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ, कुछ इस तरह से चलाते हुए, और आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर आप लिड से कवर करके इसे अच्छे तरीके से कुक होने देंगे जब तक कि वाटर रिलीज ना कर दे। तोरी बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, क्योंकि ना ऑलरेडी हमने इसे फ्राई कर लिया था, तो इसने वहाँ पर भी पानी रिलीज़ काफ़ी सारा कर दिया था, और ये वहाँ पर भी 50% कुक हो चुकी थी। सो यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस रेसिपी के लिए आपको बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर तोरी ने पानी रिलीज़ कर दिया है, और मैं इसे अच्छे तरीके से लिड से कवर करके इसे कुक होने दूंगी जब तक कि ये अच्छे तरीके से कुक ना हो जाए। एंड यहाँ पर ये मुझे बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली डन लग रही है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसे थोड़ी देर और कुक होने दूंगी। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इस रेसिपी को अपने अपने मेथड से बहुत अलग अलग डिफरेंट स्टाइल में इसे कुक करते होंगे। सो यहाँ पर मैंने आपसे अपना स्टाइल, अपनी रेसिपी यहाँ पर शेयर की है, तो आप भी इसे बनाइए और खाइए, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिए इस रेसिपी को। सो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दिए हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग और डिलीशियस लग रही है, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। और यहाँ पर मैंने कोरिएंडर को फाइनली चॉप नहीं किया है, क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है। सो यहाँ पर ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्टली डन है, कुक हो चुकी है और सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। सो मैं यही कहना चाहूँगी आप सभी से कि अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, और उसके बाद आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिए। खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करना और उसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड से ट्राई करना, ये भी एक आर्ट है। खाना तो सभी बनाते हैं मैं मानती हूँ, बट खाने को अच्छी तरीके से एक अलग ही लेवल पर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका टेस्ट अलग होता है। एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि खाना बनाना भी एक आर्ट होता है। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड बाय बाय, एंजॉय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।